शिमला एपीजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग व साइंसेज की ओर से डॉक्टर आनंद मोहन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के आचार्य शेखर चतुर्वेदी की अगुवाई में प्राकृतिक आपदा एवं व्यापक आपदा प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभावों और उनके निवारण व प्रबंधन के बारे में विषय विशेषज्ञों ने विस्तार से चर्चा की और आपदाओं से होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया गया। एपीजी शिमला विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार का उद्घाटन एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान एपीजी विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार चौधरी ने आपदा प्रबंधन पर प्रकाश डाला। आज बड़े हर्ष के साथ मुझे शेयर करने में खुशी हो रही है जो NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और APGOEL शिमला यूनिवर्सिटी के जॉइंटली कोलेब्रेशन से एक वेबिनार आयोजित किया गया। टॉपिक था कम्प्रहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज डॉक्टर आनंद मोहन जी डीन के नेतृत्व में ये वेबिनार हुआ है और जिसमें कि NIDM के डिग्नेटरीज और EPG शिमला यूनिवर्सिटी के डिग्नेटरीज ने पार्टिसिपेट करके अपना वैल्यूबल टॉक दिया है। आप सब जानते हो जो डिजास्टर जो है सो ऑन एंड ऑफ कंट्री को स्टेट को फेस करना पड़ता है और इसमें एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम लोगों की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो हम अपने स्टूडेंट्स लेवल पे ही उनको इस तरह से ट्रेंड करें और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि आगे जाके वो एक रेस्क्यू फोर्स के रूप में डेवलप हो। नेचुरली जो मैकेनिज्म होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स में एज एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आए और इन केस ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ डिजास्टर वो एक वॉलंटियर के रूप में उसको रिस्पॉन्ड करे ताकि इसको मिटिगेट भी किया जा सके मिनिमाइज भी किया जा सके। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहा जो आज हमारे साथ हमारे ऑनरेबल एडवाइजर इंजीनियर सुक्रम विक्रांत जी आप सब जानते हो जो हिमाचल में इन्होंने 40 साल एज इंजीनियर काम किया है और ये वाकिफ है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया से और इन्होंने बड़े अच्छा अपना वैल्यूबल टॉक भी दिया है जिसमें इन्होंने जोन्स भी बताए हैं और कई सारी अदर भी प्रॉब्लम है अदर देन अर्थक्वेक जो ऑन एंड ऑफ हिमाचल प्रदेश फेस करता रहता है। पॉपुलेशंस वॉल्यूम के बारे में भी उन्होंने बताया है। ये जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो भी जो अर्थक्वेक के मापदंडों पर नहीं आ रहा है या और भी डिजास्टर्स के वैल्यूज़ पे नहीं आ रहा है इन सब बातों पे हम लोगों ने कोशिश की है जॉइंटली वेबिनार NIDM के साथ करके ताकि एक हिमाचल में इसके बारे में फिर से एक अवेयरनेस हो और हम इसको एवर्ट कर सके। ओवर टू इंजीनियर साहब आपके कुछ वैल्यू। थैंक यू सर। APGOEL यूनिवर्सिटी के इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस पेंडेमिक के टाइम में ऐसे गंभीर विषय को चुना जिससे कि स्टूडेंट के साथ साथ जो हमारी प्रदेश की जनता है और देश की जनता है जिन लोगों ने भी इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया उनको अवेयर किया जा सके और इसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी हैं कैसे प्रिपेयर करना है क्या इंस्टीट्यूशन अपना रूल्स प्ले कर सकती हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी की। मुझे आशा है कि भविष्य में भी ऐसे वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को बहुत से बहुत जागरूक करेंगे और अपने साथ APGOEL यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने का भरसक प्रयत्न करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।